मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस रेलवे स्टेशन पर अलग सी चहल पहल देखने को मिल रही है। वो इसीलिए क्योंकि सालों पुराने इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने के बाद अब पीएम मोदी इसका नए सिरे से उद्घाटन करेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। नाम जो है पूरी तरीके से बदल दिया गया है और रेलवे स्टेशन पर हबीबगंज जो शब्द थे उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है और रेलवे स्टेशन की इमारतों पर जो पुराना नाम था उसे हटा करके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के यहाँ पे उद्घाटन करना है, इसीलिए जल्दबाजी में ही चाहिए, लेकिन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पोस्टर जो है वो लगा दिए गए हैं। माना जा रहा है कि धीरे धीरे अब जो है यहाँ पर जो स्थायी रूप से रेलवे स्टेशन का नाम है रानी कमलापति का वो लिखा जाएगा। अगर ऊपर देखें आप तो अभी फिलहाल सिर्फ पोस्टर बना करके ही सही, लेकिन हबीबगंज के नाम को यानी जो पुरानी निशानी थी उसे पूरी तरीके से मिटा करके अब नया नाम अब रेलवे स्टेशन पर लिख दिया गया है। अंतिम गोंड शासक थी भोपाल में रानी कमलापति, जिनके नाम पर अब रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 नवंबर सोमवार को इसका लोकार्पण करना है और इसीलिए इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। न केवल भोपाल बल्कि आसपास के जिलों से पुलिस बल को बुलाया गया है। रेलवे का अपना पुलिस बल है ही और साथ ही में तमाम जो दूसरे जिलों के पुलिस फोर्स है उनको बुला करके फिलहाल इस पूरे स्टेशन परिसर को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अब एक नए नाम के साथ भोपाल का ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जनता के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कौन थी रानी कमलापति, उनके इतिहास के बारे में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। उन्होंने कमलापति को अंतिम हिंदू रानी बताया और उनके शौर्य की गाथा सुनाई। कि 52 गढ़ों में से जो रानी दुर्गावती ने राजा संग्राम शाह ने गोंडवाना राज्य स्थापित किया था, उनमें से एक गढ़ था गिन्नौर गढ़, जिसके अंतर्गत भोपाल भी आता था। दोस्त मोहम्मद खान जो अफगानी था, पहले जगदीशपुर पे कब्जा किया और बाद में संपूर्ण गिन्नौर गढ़ हड़पने का प्रयास किया। वो कुशल शासक थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि दोस्त मोहम्मद की नजर गिन्नौरगढ़ के किले पर भी है और उनको भी वो अच्छी नजरों से नहीं देखता था, रानी के बेटे नवल शाह ने लाल घाटी के पास युद्ध किया, दुर्भाग्य से वो युद्ध में पराजित हुए, वीर गति को प्राप्त हुए और जब रानी को मनुआ भान की टेकरी से धुआं करके ये समाचार दिया गया कि हमारी पराजय हो गई, तो रानी को जब ये लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण और सम्मान की रक्षा अब करना कठिन काम है, तो उन्हें छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ली। ऐसी यशस्वी रानी के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाम करना सचमुच में पुराने गौरव को लौटाने का काम है। अब आपको बताते हैं इसका नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन कैसे पड़ा। इसका नाम हबीब मियां के नाम पर रखा गया था। पहले इसका नाम शाहपुर हुआ करता था। साल 1979 में हबीब मियां ने रेलवे के विस्तार के लिए अपनी जमीन दान पर दी थी, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर पड़ गया और एमपी नगर का नाम गंज हुआ करता था, जिसके बाद हबीब और गंज को मिलाकर हबीबगंज नाम कर दिया गया। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट वाले हबीबगंज स्टेशन को पीपीपी मोड पर तैयार किया गया है। हबीबगंज स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जहां एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। इस स्टेशन पर लोग बिना भीड़भाड़ के ट्रेन की बर्थ तक पहुंच सकेंगे। जो यात्री स्टेशन पर उतरेंगे वो भी दो अलग अलग रास्तों के जरिए स्टेशन के बाहर सीधे निकल सकेंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।